सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी सोल में छबाना और आज हम करने जा रहे हैं जुलाई 2021 के लिए लव रीडिंग्स, हमारी 12 राशियाँ और उन 12 राशियों का क्या हाल रहने वाला है, क्या एनर्जीज रहने वाली है, कैसे बीतेगा उनका जुलाई का महीना अपने लव पार्टनर के साथ। चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे कमिटेड हैं, चाहे एंगेज्ड हैं, चाहे अभी आपकी बात शुरू हो रही है, थोड़ी जान पहचान हो रही है, तो देखते हैं आप लोगों का राशिफल जुलाई 2021 के लिए। एक एक करके सारी 12 राशियां लेंगे। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ 50% रेजोनेट करे, 70% रेजोनेट करे। अगर इन केस आपको लगता है कि ये राशिफल आपकी राशि के साथ या आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट नहीं हो रहा, तो आप अपनी बाकी राशियों को भी चेक कर सकते हैं। आप अपनी लग्न कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, चंद्र कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, नाम राशि के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली या फिर वेस्टर्न ज़ोडियक साइन सन साइंस के अकॉर्डिंगली भी अपना राशिफल देख सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए राशिफल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोस आपके पास समय से पहुंच सके। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपका राशिफल जुलाई 2021 लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए। देखते हैं लव रिलेशनशिप के नजरिए से ये महीना उनके लिए क्या एनर्जीज लेके आ रहा है। हम हर हफ्ते के लिए एक कार्ड पुल करेंगे और देखेंगे कि वीकली कैसी रीडिंग्स, कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं लिब्रा के लिए, लिब्रा के लिए यानी तुला राशि के लिए। तो हमने पहला कार्ड निकाला फर्स्ट वीक के लिए, सेकंड वीक के लिए दूसरा कार्ड निकाला, तीसरे वीक के लिए हमने तीसरा कार्ड निकाला और फोर्थ वीक के लिए हमने फोर्थ कार्ड निकाला। अब हम यहाँ से अपने एंजल कार्ड से भी गाइडेंस मांग लेते हैं कि क्या गाइडेंस उनकी रहेगी लिब्रा के लिए, तो वो भी हमने निकाल लिया। चलिए देखते हैं फर्स्ट वीक लिब्राज, सेकंड वीक द जजमेंट, देन कम्स नाइन ऑफ वैंड्स एंड देन द हाई प्रिस्टेस। तो लिब्राज तुला राशि वालों के लिए फर्स्ट वीक में कहीं पे बहुत ही कंफ्यूजन और कहीं पे पॉज, कहीं पे ब्लॉकेजेस नजर आ रही हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ अपने आप को बनावा पा रहे हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि उनको तोड़ के निकलना मुश्किल हो रहा है। तो उसकी वजह से शायद आप अपने लव पार्टनर को, अपने स्पाउस को, अपने जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप है उनको समय नहीं दे पाएंगे फर्स्ट वीक में, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। आपको कुछ शक या कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो सकते हैं, कुछ इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं अपने पार्टनर के लिए, जो कि आपको जो है एक कंफ्यूजन में रखेंगे और आपका दिल थोड़ा सा उदास रहेगा। आपको ऐसा लगेगा ना, मुझे कुछ दिख रहा है, मैं पूरा बंद गया हूँ, यूँ बंद गई हूँ, मैं कुछ आगे कुछ कर ही नहीं सकता या कर सकती। तो लिब्रास के लिए फर्स्ट वीक तो काफी कन्फ्यूजन का वक्त रहने वाला है, लेकिन मैं यहाँ कहूंगी आप अपने आप को ब्लॉक तो महसूस करेंगे, पकड़ा हुआ जकड़ा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन आप जरा सी हिम्मत करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे स्वॉर्ड्स हैं, लेकिन आगे यहाँ पे स्वॉर्ड्स नहीं है, आप आराम से अपना रास्ता क्लियर करते हुए आगे जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा विल पावर अपना स्ट्रांग करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा वीक है, उसमें आता है जजमेंट। ये भी दिखता है कि जजमेंट की कार्ड के से अगर हम इन दोनों को रिलेट करते हैं, दोनों कार्ड्स को, यहाँ पे कहीं पैसे भी दिखता है, हो सकता है आपकी तबीयत थोड़ी नासाज रहे। जब तबीयत नासाज होती है तो कुछ भी नया करना या इंजॉय करना या प्यार मोहब्बत की बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त ऐसा लगता है कि बस रेस्ट करें और हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए। तो सेकेंड वीक में भी मुझे यही लग रहा है कि यही कंटिन्यूशन रहेगी कि आप अपने पार्टनर को ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाएंगे, अपनी हेल्थ की तरफ आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। तो यहाँ पे सेकंड वीक में भी ऐसा लग रहा है कि आपकी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी, पर आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त नहीं होंगे, यानी कि इस सिचुएशन से निकल के थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, लेकिन बहुत बेटर नहीं होगा। उसके बाद आपके
थर्ड वीक में हम आते हैं जुलाई के, तो यहाँ पे सिचुएशन काफी संभली हुई नजर आ रही है, अच्छी नजर आ रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ अब आपकी शरीर में स्ट्रेंथ आ रही है, रिलेशनशिप में भी स्ट्रेंथ आ रही है, और जो है आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताएं, इंतजार करेंगे और कुछ ऑब्वियसली प्रोग्राम भी बनाएंगे, यानी कि आपका जो ये सिचुएशन चल रहा था फर्स्ट वीक में सेकंड वीक में वो इम्प्रूव हो जाएगा थर्ड वीक में। लेकिन अभी भी यहाँ पे मुलाकात नहीं दिख रही या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि हाँ अच्छा टाइम बिता रहे हैं आपस में, क्योंकि यहाँ पे भी अभी थोड़ा सा ब्लॉकेज है, ज्यादा नहीं कह लीजिए कि यहाँ का जो थर्ड वीक है, थर्ड वीक खत्म होने होते तक 2 दिन जब रह जाएंगे तब आपका ये सिचुएशन भी बिल्कुल कहते हैं ना, ये जो बुरा वक्त था वो खत्म हो जाएगा, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी और फिर आप अपने वापस उसी रूप में आ जाएंगे। उसके बाद जो फोर्थ वीक है, फोर्थ वीक में द हाई प्रिस्टेस है, ऑल्दो आप ठीक हो जाएंगे, रिलेशन ठीक हो जाएगा, रिलेशन उतना ठीक हो जाएगा कि आप आपस में बात कर सकें, लेकिन इतना नहीं कि बिल्कुल ही हंसी मजाक कर सकें या बहुत अच्छा टाइम बिता सकें। एक यहाँ पे इंतजार है, मिलते हुए तो नहीं दिख रहे मुझको लिब्रा, फर्स्ट वीक सेकंड वीक थर्ड वीक तीनों वीक में आप लोग मुझे मिलते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन फोर्थ वीक में भी आप मुझे मिलते हुए ज्यादा नहीं दिख रहे। ऐसा नहीं दिख रहा कि आप बहुत अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे या फिर एक ना जैसे दूसरों को दिखता है ना कि कितना खुशहाल कपल है, वैसा नहीं होगा, थोड़ा मूड स्विंग्स हो जाएंगे। तो थोड़ा नमक का सेवन कम करिएगा तो मूड स्विंग्स नहीं होंगे, यानी कि मन उदास उदास रहेगा, कभी अच्छा लगेगा कभी नहीं अच्छा लगेगा, तो ऐसा सा कुछ मुझे दिख रहा है। और लिब्रा राशि वाले, कोई इसमें चिंता करने की बात नहीं है, कोई सबके लिए भी नहीं है ये रीडिंग, जितने भी लिब्राज हैं किसी के साथ रेजोनेट होगी किसी के साथ नहीं होगी, लेकिन ये एक सिचुएशन शायद खराब से अच्छे की तरफ जा रही है, तो बी पॉजिटिव। अब देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एंजल कार्ड कह रहा है फॉलो योर हार्ट, यहाँ पे जो भी हो रहा है आपकी सिचुएशन में आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना है, हार्ट का ध्यान इन द सेंस जो आपके दिल में बात आ रही है उसको आपको फॉलो करना है, अपने दिल की सुननी है, दूसरों की नहीं सुननी है। हो सकता है कई लोग आपको सलाह दें, ये कहें वो कहें, ऐसे करें वैसे करें, हो सकता है आपको सलाह दे सकते हैं, बट आपको किसी की नहीं सुननी, आपको सिर्फ अपने दिल की सुननी है और उसी की सुन के आगे जब आप चलेंगे तो वो आपको जो है अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये था आपके लिब्रा राशि वालों के लिए जुलाई 2021 की लव रीडिंग, और टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी हेल्थ को ठीक रखिए, पानी खूब पीजिए, नमक कम लीजिए, और बस ये वीक ये महीना जो है आपका आराम से निकल जाएगा, और रिलेशनशिप को बरकरार रखना आपके ही हाथ में है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपने हार्ट को फॉलो करना है, दिल की सुननी है, दिमाग की मत सुनिएगा, दिल की सुनिएगा और दूसरों की भी मत सुनिएगा। तो ये था हमारा लिब्रा राशि वालों के लिए, और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय पे पहुंच सके। और मैं बहुत जल्दी टैरो कार्ड रीडिंग की क्लासेस ले रही हूँ, बेसिक कोर्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है। तो चलिए अभी के लिए मुझे आगे दीजिए, फिर जल्दी मिलते हैं, थैंक यू सो मच।